शांति। आज की तारीख है 4/12/22 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/1/93 यानी 93 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त मूर्त बच्चे माना क्या? तो बाबा कहते हैं अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हरेक समझते हैं कि यही समान बनना यानी बाप समान बनना स्नेह का सबूत है। इसीलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। बाबा कहते हैं कि जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? तो जवाब में बाबा कहते हैं जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को वे खाली अनुभव नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम याद प्यार सुनेंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा ने याद प्यार देते हुए कहा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को अब हर एक अपने विषय में महिमा सुनते जाएं। सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजयमाला में समीपाने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुलाकात के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे
अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा से वरदान। तो वरदान है ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त बाप दादा कहते हैं कि ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, यानी लाइट और माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में रह नहीं सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकते। स्लोगन है, हीरो पाटदारी बनने के लिए, हीरो पाटदारी बनने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। अच्छा, ओम शांति।